केस रजिस्टर किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई इसमें प्रारंभ हो चुकी है। उनको जो स्थानीय अधिकारियों के तत्वावधान में उसको सही दिशा देने का अपना प्रयास किया। सर, जिस तरह से कल एक वीडियो आया जिसमें दिखाया गया जो थार गाड़ी है उसके नीचे किसान पड़ा हुआ है और एक युवक भाग रहा है, तो क्या ये गिरफ्तारी की बात जो चल रही थी वो कब तक हम लोग को देखने को मिलेगी? एक किसी वीडियो को देखकर हम लोग निष्कर्ष पर किसी प्रकार के नहीं पहुंच सकते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे लिए एविडेंस साबित हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस अभी अवेलेबल हैं और भी हम लोगों ने लोगों से एसपी खीरी की तरफ से मीडिया में दिया है कि किसी के पास कोई ओरिजिनल फुटेजेस है वो कृपया उपलब्ध कराए ताकि वो हम सभी इन्वेस्टिगेशन में हमें काम आएगा। सर, आशीष को रिकॉर्ड करने में काम आएगा और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में किसी प्रश्न का मैं समझ सर आशीष को 302 का मुकदमा दर्ज है, क्या पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।